अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई मकाजी। और बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ घर के कामों में बहुत बिज़ी हो गई थी तो वीडियो ठीक से बना नहीं पा रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गई है तो चलो वीडियो डालती हूँ। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरा जो बेड था उसके नीचे का, मैं नीचे में कुछ सामान था तो उसको ही मैं आज ठीक करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गई है इसको मैंने क्लीन नहीं किया और बहुत ही मतलब यहाँ पर गंदा हो गई थी, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे देखती हूँ कि ये प्लाई वगैरह ये सब ठीक है कि नहीं, तो मैं वही सब कर रही हूँ। और यहाँ पर आहना मेरी हेल्प कर रही थी सब अंदर से सामान को लाने में, और इस काम को मैंने कल परसों करके करके बहुत ही लेट कर दी इसको करने में। फिर मैं यहाँ पे अपने बैग को अनपैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी मायके में घूमने के लिए, गर्मी की छुट्टी तो पड़ गई थी तो मैंने वहाँ पे जाके कोई वीडियो नहीं बनाई। पता नहीं मुझे क्या हो गई थी तो मुझे एकदम वीडियो बनाने के कुछ मन नहीं कर रहा था, तो बस नहीं बनाई, आज ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अनपैक कर ली, उसके बाद मैंने जो सामान जहाँ पर रखना था उसको वहाँ पर कर दे रही हूँ। और घर का भी कुछ मतलब कपड़ा था जो कि डेली का डेली वेयर था उसको भी मैं अपने जगह पे ठीक से रख दे रही हूँ। ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार होती है कि ये सब बैग को अनपैक करना, उसके बाद ये सब डीप क्लीन करना या फिर ओवरड्रॉप को क्लीन करना, कपड़े को अरेंज करना, ये सब काम को मैंने आज नहीं तो कल परसों करके दो तीन दिन तो मेरी लग ही जाता है। लेकिन जब मैं इसको करने लगती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि ये तो एक घंटे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गई है। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने डिनर सेट बाहर निकाली थी आज, जब मैंने बेड के नीचे क्लीन कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि अंदर अगर रहेगा तो कोई आएगा तो मैं ही यूज़ कर पाऊँगी, और वैसे कोई आता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस डिनर सेट में मैं ही मतलब अपने घर में ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये पड़े पड़े तो ख़राब भी हो रहा है। तो मैंने सोची कि इसको घर में ही यूज़ कर लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह रहेगा उसको मैं इस ओवरड्रॉप में मतलब अरेंज करके रख दूँगी। लेकिन आज मुझे एकदम करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरा दिन मैंने बहुत काम की और बहुत कुछ क्लीन वगैरह ये सब की, और आज अभी नहीं करूँगी, ये मैं कल सुबह कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सलवार को सिलाई मतलब पीस था इसको मैंने सिलाई करके लेके आई हूँ, तो ये मैंने गाँव में सिलाई करने के लिए दी थी। तो मैं अभी इसको देख रही हूँ कि मैं इसको ला के दो तीन दिन हो गई थी तो मैंने इसको मतलब पहन के भी नहीं देखा कि अच्छी से फिटिंग्स वगैरह हुआ कि नहीं, तो आज मैं इसको देख रही हूँ कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छे से फिटिंग्स हो गई है। और ये मैं ब्लैक जो कलर है इसको मैंने गाँव में जाके वहाँ पर एक दीदी था उन्होंने वो लेके आई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ले ली, और ये तो मैंने ईद में ली थी और इसको भी मैंने वहाँ से ही मतलब सिलाई की, और इसका भी फिटिंग्स बहुत अच्छी से आई है। लेकिन मुझे तो ब्लैक का फिटिंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है। क्लीनिंग के टाइम पे आहन आपको ये जग मिल गया और उसको लगा कि वो यहाँ पे पानी भर के वो पिएगा, तो मैंने मना कर रही थी लेकिन उसको नहीं रखना था तो वो यहाँ पे पानी रख के मुझे दिखा रहा है कि मैं ऐसे पीऊँगी। और आज पूरा दिन मैं इसी सब काम में लग गई थी कि चलो कपड़े वगैरह सब ठीक ठाक में रखूँ, या फिर ये सब करते करते मैं बहुत पूरा दिन ये सब करते करते बहुत थक गई थी। और यहाँ पर जो बैग था उसको भी मैंने ठीक से समेट के और इसको भी अरेंज करके मैं रख दूँगी एक जगह पे। जब घर डीप क्लीन हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, और ये सब देख के मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, और मेरे दिल को बहुत ही खुशी हो रही थी और सुकून मिल रही थी कि चलो मैंने एटलीस्ट कर लिया, क्योंकि इसको मैंने बहुत दिनों से मैं मतलब टाल रही थी आज नहीं तो कल। तो ये सब करते करते रात हो गई तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने स्किन केयर करने के लिए। आज तो एकदम ही दिल नहीं कर रहा था तो मैंने एकदम ही शॉर्ट में एकदम लेजी सा स्किन केयर की, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ सेरावी का एक क्लिनजर जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, और रिसेंटली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये तो मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो उसको तो उसके स्किन में भी
इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छी से एक काम कर रही है, वो मतलब दिखता भी है। यहाँ पे मैं स्किन को क्लीन करके आ गई हूँ और मैं यहाँ पे लगाऊंगी टोनर। यहाँ पे मैं पिलग्रिम का वाइट लोटस नेचुरल फेस मिस्ट एंड टोनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे फेस मिस्ट से अच्छा फेस टोनर लगती है, मुझे फेस टोनर यूज़ करना बहुत ही अच्छी लगती है। पहले मैं टोनर यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैं यूज़ रोज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत ही अच्छा स्किन में फ़र्क दिखी है। क्योंकि टोनर यूज़ करने के बाद स्किन बहुत अच्छी से हाइड्रेट भी हो जाती है और पोर्स भी आपका मिनिमाइज़ हो जाती है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे फेस में 2-3 स्पॉट हो गई है, ब्लैक स्पॉट, तो उसको ही अभी मैं मतलब ठीक करने के लिए एक विटामिन सी पॉन्ड्स का जो विटामिन सी सीरम है इसको ही यूज़ कर रही हूँ। फिर टोनर के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी 12% विटामिन सी प्लस ई प्लस ए सीरम, और ये पॉन्ड्स का न्यू लॉन्च है और इसको ही मैं टेस्ट कर रही हूँ कि मेरे स्किन को ये ब्राइट करती है कि नहीं, और मेरे जो स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जो आई है उसको भी उस पर भी ये काम कर रही है कि नहीं, इसको ही मैं टेस्टिंग फेज में हूँ तो इसको ही मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये देखती हूँ कि मेरी स्किन में कोई भी ये स्पॉट डार्क स्पॉट को हटाने में मदद करती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये पॉन्ड्स का न्यू लॉन्च है और इसका ही रिव्यू मुझे करना है, तो इसीलिए मैं अभी इसको पहले टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेरापी का मॉइस्चराइज़र है और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसको मैं भी अप्लाई करती हूँ। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है और इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद कोई भी चिपचिप एकदम भी नहीं लगता और क्विक स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन को बहुत ही अच्छी से हाइड्रेट भी करती है। इसके अंदर हाइलोरिक एसिड है और 3 एसेंशियल सेरामाइड है जो कि स्किन बैरियर को ठीक करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो इसको इस क्रीम को भी मेरे जो बड़े बेटे हैं वो यूज़ करती है और उसको भी बहुत पसंद आ रही है और मुझे भी इसको मुझे भी बहुत पसंद आ रही है क्योंकि हम दोनों का स्किन ड्राई है, तो मेरा ड्राई टू कॉम्बिनेशन है और उसका तो ड्राई है, तो हम दोनों को ही ये बहुत ही अच्छी से मेरी स्किन में काम कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग जब फेस में कोई मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ उसके बाद इस गर्मी में फेस में एक पसीना आ जाती है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद वो नहीं होती है एकदम। और मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ और देखिए मेरा स्किन कितना अच्छा लग रही है और कितना हाइड्रेटेड है स्किन। और यहाँ पे मॉइस्चराइजर भी अच्छे से अप्लाई हो गई है और यहाँ पे मैं फटाफट से लिप में एक सीरम अप्लाई कर रही हूँ, और जो मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ वो है पिलग्रिम का लिप सीरम है और ये है स्क्वालीन एंड बबल गम का जो है वो ही सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये सीरम यूज़ करने से लिप थोड़ा सा प्लम्पी दिखता है, तो मुझे तो ऐसा प्लम्पी कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उस प्लम्पीनेस तो नहीं दिखी, लेकिन इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इतना मुझे ये यूज़ करना अच्छा क्यों लगती है क्योंकि इसमें इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम यमी यमी सा, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये लिप में थोड़ा सा हाइड्रेट भी लिप को रखती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लेमिस्ट एंड प्ले का रेटिनॉल बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ और ये डेली 4% इसमें रेटिनॉल है और इसको मैं अच्छे से अपने हैंड्स पे और लेग्स पे यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मेरा नाइट का स्किन केयर डन हो जाएगी। और इस बॉडी लोशन को यूज़ करने से हैंड्स और लेग्स में जो रिंकल आ जाती है उसको में ये काम करती है अच्छे से, और मुझे ये रिसेंटली बहुत ही अच्छी लगने लगी है ये बॉडी लोशन, तो इसको मैं डेली नाइट में यूज़ करती हूँ। और ये थी मेरी आज की नाइट का स्किन केयर रूटीन। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसको मैंने अपने ही पैसों से ख़रीदी हूँ और मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।